this clutch is. Have you heard about the name clutch? There are three terms always used. That is, one is brake, another one is clutch, and the third one is coupling. तो एनीवन कोई भी बताइए, आपने ये वर्ड क्लच सुना है क्या? ये बोलो. यस सर. व्हाट इज वर्ड सर? क्लच का क्या बाइक में? अच्छा, बाइक में यूज होता है क्लच. ठीक है, इवन कार में भी आप लोगों ने सुना होगा. यस सर. कार में सुना है ना, ए बी सी, एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच. ठीक है, एक्सेलरेटर ब्रेक एंड क्लच. तो व्हाट इज द क्लच? ब्रेक तो सभी को पता है कि हमको गाड़ी को जब रोकना होता है तो वी अप्लाई ब्रेक. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट क्लच? सर पढ़े थे सर डिप्लोमा में, तो उस समय तक का थोड़ा बहुत याद है कि इंगेजिंग और डिसएंगेजिंग इंजन का ऐसा कुछ था सर. सो इट इज अ यूज्ड फॉर एक्सीलरेशन वर्क नहीं करते हैं. एंगेजमेंट और डिसएंगेज आपने ये कहा, पहचान आपने क्या कहा? सर क्लच लेके सर कितने एक्सेलरेट करते सर गाड़ी आगे नहीं बढ़ता सर. क्लच लेके आप एक्सेलरेट करते तो व्हाई डज इट सो? पावर ट्रांसफर नहीं होता होगा सर. पावर ट्रांसफर नहीं होता. और कोई कुछ कहना चाहेंगे क्लच के बारे में? सर गियर फ्री हो जाता है. सर आपके अचानक कोई शॉक ना लगे ये कंट्रोल करता है क्लच. गलत है ये, शॉक नहीं लगे. इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट सही है, बट अलोन ये स्टेटमेंट सही नहीं. ठीक है, एक्चुअली सी दिस मैकेनिकल क्लचेस आर द डिवाइसेस विच इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग. ठीक है, इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ पावर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम. ठीक है, एट द विल ऑफ द ऑपरेटर. सपोज वी आर हैविंग मोटर. ठीक है, हमारे पास सपोज ये मोटर है एंड ये मोटर का शाफ्ट है. ठीक है, और ये सपोज n rpm से मूव कर रहा है. लेट इट बी 250 rpm. ठीक है, ये 250 rpm से मूव कर रहा है. अब मान लो कि हमारे पास एक दूसरा शाफ्ट है. ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है. आउटपुट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस पावर को, ये इनपुट है इनपुट, तो इस इनपुट को हमको आउटपुट को ट्रांसफर करना है. ठीक है, सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डूइंग सो? पहले तो आप ये बताइए कि सपोज यू आर हैविंग मोटर, दिस इज अ मोटर. ठीक है, विच इज रोटेटिंग एट एन आर पी एम ऑफ 250 rpm, विच इज अ सोर्स ऑफ पावर इनपुट. सो इट यू कैन से सोर्स ऑफ पावर इनपुट. ठीक है, एंड दिस इज योर आउटपुट. सो हेयर यू रिक्वायर, जैसे आप मिल में जाते हो तो समवेयर यू आर गेटिंग एंड सम आउटपुट यू आर गेटिंग एट सम अदर पॉइंट. सो हाउ यू विल अचीव दैट? So there is one way that you connect these two shaft with something. ऐसा है कि नहीं? Yes or no? बोलिए. Yes sir. ठीक है, आप तो इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए. या फिर ऐसा हो सकता है कि we may apply, I am just drawing the shaft, input and output. There may be case where you put a plate here and put a plate here in the output shaft, and you just push this plate in this direction so that this is engaged with this, and due to the frictional force it is rotating with this speed. If this is n, then
देन दिस विल बिकम एन. ठीक है, ये दोनों केस पॉसिबल है कि नहीं? दिस इज योर केस नंबर वन एंड दिस इज योर केस नंबर टू. इज इट क्लियर? बोलिए. अब जो पहला वाला जो है हमारा केस, इसको हम लोग कपलिंग कहते हैं. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज कपलिंग. दिस इज कपलिंग एंड दिस टू दिस इज नोन एज योर क्लच. ठीक है, तो क्लच का क्या काम है? इट इज यूज टू इंगेज और डिसइंगेज. ठीक है, बट कपलिंग का क्या काम है? इट इज यूज फॉर परमानेंटली ज्वाइनिंग द इनपुट शाफ्ट टू द आउटपुट शाफ्ट. तो हमारा इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्टेड होता है परमानेंटली. अगर जब तक कि आप इसको डिसमेंटल नहीं करोगे, तब तक इनपुट और आउटपुट शाफ्ट का जो कनेक्शन है दैट विल रिमेन द सेम. और जो अगर ये NRPM से मूव कर रहा है तो दिस विल ऑल्सो मूव विद NRPM. बट इन केस ऑफ क्लचेज, इन केस ऑफ फ्रिक्शन क्लचेज, यू कैन से फ्रिक्शन. वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लचेज. फ्रिक्शन क्लचेज, तो फ्रिक्शन क्लचेज में क्या होगा? इफ N इज द RPM देन इट माइट नॉट ट्रांसमिट NRPM बिकॉज देयर मस्ट बी सम स्लिपेज बिटवीन दीज टू प्लेट्स. दीज आर द टू फ्रिक्शन प्लेट्स. ठीक है, तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी, दैट वी विल स्टडी फ्रिक्शन क्लचेज. फ्रिक्शन क्लचेज, ठीक है, हम लोग बाकी सब नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस फ्रिक्शन क्लचेज आर मोस्ट वाइडली यूज. क्यों? क्योंकि ये है, ये इंटरमिटेंट ऑपरेशंस के लिए है. अगर हमको मान लो कि इस मोटर से पावर आउटपुट को सप्लाई को कट करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिसइंगेज दिस प्लेट फ्रॉम दिस बाय पुलिंग इट आउट सो दैट. तो आप बोलते हो ना कि आपने क्लच लिया, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट टेकिंग द क्लच एंड रिमूविंग दिस प्लेट टू दिस साइड सो दैट देयर विल become some gap between the input shaft and the output shaft and the power will not be transmitted from input and output. अगर आप गाड़ी चलाते हो तो शुरुआत में देखना, आप जब उसमें क्लच लिए हुए रहते हो उस समय गाड़ी नहीं बढ़ती है because you are not engaging. And जैसे जैसे आप क्लच को हल्का छोड़ते हो, what you are doing? You are just pushing this plate to this side. ठीक है, so that it is making contact with the input shaft. और इनपुट शाफ्ट के साथ जैसे ही वो कांटेक्ट बनता है तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद द सेम RPM. ठीक है, देयर माइट बी स्लिपेज एट इनिशियली बट इट विल रोटेट एट सेम RPM. और कभी कभी गाड़ी क्या होता है, आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी में, जब आप क्लच छोड़ते हो तो गाड़ी क्या होती है, जितने RPM से उसको मूव करना चाहिए नहीं मूव करती है. तो उस समय आपका जो जो वो होता है, जो आपका सर्विसिंग करता है, सर्विस इंजीनियर, वो आपको कहता है कि आपका क्लच प्लेट जो है वो घिस चुका है, नाउ यू हैव टू रिप्लेस योर क्लच. ठीक है, क्लियर है? बताइए कि क्या ये समझ में आया क्लच? यस सर. ठीक है, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन. सो यू कैन राइट द डेफिनेशन that the clutch, write down, clutch is defined as a mechanism. Clutch is defined as a mechanical device. I am writing also device which is used to which is used to engage or disengage
So I have written the definition. Clutch is defined as a mechanical device which is used to engage or disengage the driven shaft to the driver shaft. So here you can see this. This is your driven shaft. This is your driven shaft and this is your driver shaft. ठीक है? So इसमें इसको हम लोग जो drive कर रहा होता है that shaft is known as driver shaft. ठीक है? So this is your driver shaft and this is your driven shaft. ठीक है? So ये कह रहा है कि जो clutch है, clutch is defined as a mechanical device which is used to engage or disengage the driven shaft to the driver shaft at the will of the operator. अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है? So this is the basic definition of this clutch. And यहाँ पे आप add कर सकते हैं without stopping the prime mover, without stopping the prime mover. Prime mover is your motor. Prime mover. इसका नाम इसीलिए दिया गया है कि जो primarily move कर रहा हो. So this motor is moving. So that's why the name prime mover is given to the input device that is your motor. ठीक है? So इसमें क्या है कि गाड़ी, अगर देखो गाड़ी को हमको जब रोकना होता है, ठीक है, या गियर चेंज करना होता है, व्हाट वी डू कि हम उसको डिसइंगेज कर देते हैं. ठीक है? सो दैट ये जिस आरपीएम से मूव कर रहा होता है उस समय यहाँ जर्क ना आए, तो इसीलिए हम इसको डिसइंगेज कर देते हैं और जो गियर है, गियर की शिफ्टिंग हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. जैसे ही हमारा गियर शिफ्ट हो जाता है, व्हाट वी विल डू, वी विल देन इंगेज दिस प्लेट टू दिस, सो दैट दिस इंगेजमेंट टेक्स प्लेस. और इसमें क्या है कि मोटर जो होता है हमारा, दिस मोटर दैट इज नॉट स्टॉप. ठीक है? ठीक है? और जो कपलिंग होता है उसके केस में क्या होता है कि इनपुट अगर हमारा स्टॉप होगा तो हमारा आउटपुट भी स्टॉप होगा. ठीक है? बट यहाँ वैसा केस नहीं है. यहाँ पे अगर इनपुट आपका स्टॉप भी होता है, चलता भी रहेगा, तो आउटपुट आप स्टॉप कर सकते हो जस्ट बाई डिसइंगेजिंग. क्लियर है सभी को? बोलिए. इसमें एक पॉइंट लिखो, कपलिंग इज अ परमानेंट कनेक्शन. और इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, जो कपलिंग है हमारा, दिस कपलिंग इट इज अ परमानेंट कनेक्शन. ठीक है? तो ये क्या है, दिस इज अ परमानेंट कनेक्शन. बोलो, किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस और नो? नेक्स्ट इज योर ब्रेक. नेक्स्ट इज योर ब्रेक. अब ब्रेक क्या है? ब्रेक इज डिफरेंशिएटेड विद द क्लच इन द वे ऑफ इनपुट कंडीशन एंड आउटपुट कंडीशन. इट इज डिफरेंशिएटेड विद क्लच बेस्ड ऑन व्हाट इनपुट एंड आउटपुट कंडीशन. इनपुट एंड आउटपुट, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन. Not input, initial and final condition. अब बताइए दोनों में, आप ही लोग बताएं, ब्रेक में इनिशियली कंडीशन क्या होता है? इनिशियल कंडीशन, बोलो, what is the initial condition in case of brake? Anyone? My voice is coming or not? Question clear नहीं होता. Voice हाँ. Question ये है कि जैसे हमने classify किया clutch, ये clutch and coupling को, coupling is the permanent
fastening of input and output shaft, and it is temporary engagement and disengagement. Similarly, there is a term which is known as brake. So how brake is different from clutch? The question is this, ki jo brake or clutch hai, we differentiate the brake and clutch based on the initial and final condition. So what in case of brake, what is the initial condition and what is the final condition? I am asking. Initially kya hota hai? ब्रेक कैसे लगाते हो तुम? इनिशियल कंडीशन कुछ तो रहता होगा ना, बोलिए इसमें क्या रोटेट करता है और क्या फिक्स रहता है? पावर इसमें तो फिक्स रहता है, ये व्हील रोटेट करना बंद कर देता है. देयर इज अ आइटम व्हिच इज नोन एज ब्रेक ड्रम. नाम सुने हो इसका? ब्रेक ड्रम? नहीं सुने हो? यस सर. जब आप स्कूटी वगैरह देखते हो, सो ब्रेक ड्रम इज रोटेटिंग, ठीक है. तो ये क्या होता है, ब्रेक, जो ब्रेक ड्रम होता है हमारा, जिस पे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिस ड्रम पे, ये व्हील के साथ कनेक्टेड होता है. दैट इज योर डिस्क होता है ना सर. देखो अभी डिस्क ब्रेक आ गया है, ठीक है. तो डिस्क ब्रेक में आप यहाँ पे ब्रेक ड्रम के जगह ब्रेक डिस्क लिख सकते हो. इन केस ऑफ डिस्क ब्रेक यू कैन यूज डिस्क, ठीक है. तो ब्रेक डिस्क इज रोटेटिंग. इनिशियली क्या हो रहा है हमारा, जब गाड़ी चल रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग, जो ब्रेक जो डिस्क है तुम्हारा, ब्रेक डिस्क है, वो क्या होता है, व्हील के साथ रोटेट कर रहा होता है कि नहीं, उसी आरपीएम पे, बताइए, बोलो. यस सर. ठीक है. एंड द ब्रेकिंग मेंबर, जो ब्रेक शू होता है हमारा, ब्रेक शू, दैट इज योर ब्रेकिंग मेंबर, ठीक है. व्हाट इज दिस, इट इज स्टेशनरी, ठीक है. इट इज एट रेस्ट. इनिशियल कंडीशन ये है इसका, तो ब्रेक ड्रम और डिस्क क्या होता है, इट इज रोटेटिंग इनिशियली एंड इट इज ब्रेक शू इज एट रेस्ट, ठीक है. और फाइनल कंडीशन क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद, बोथ आर एट रेस्ट. जब आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक शू तो ऑलरेडी रेस्ट पे है ही, तो ब्रेक ड्रम भी क्या होता है, ब्रेक ड्रम या ब्रेक डिस्क क्या होता है, बोथ कम्स टू रेस्ट, और हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है. अब ये बताइए, अब क्लच के केस में क्या होता है, क्लच के केस में इनिशियल कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन इन केस ऑफ क्लच, बोलिए. इनपुट शाफ्ट लिख देते हैं यहां पे, इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, बताइए क्या होता है. इनपुट शाफ्ट क्या होता है, रेस्ट पे रहता है, रोटेट कर रहा होता है सर? सर रोटेट करेगा सर. इनपुट शाफ्ट इज रोटेटिंग, ठीक है, और आउटपुट शाफ्ट इज एट रेस्ट. इनिशियली जब क्लच आपने अप्लाई नहीं किया, आपने कहा कि जब क्लच मैं लेता हूं तो गाड़ी नहीं चलती है, तो गाड़ी क्यों नहीं चलती है, बिकॉज योर इनपुट शाफ्ट इज ऑलरेडी रोटेटिंग, योर बाइक हैज स्टार्टेड बट योर बाइक इज नॉट मूविंग. व्हाई इट इज नॉट मूविंग, बिकॉज योर आउटपुट शाफ्ट इज एट रेस्ट, बिकॉज यू हैव नॉट इंगेज द क्लच, ठीक है. सो आपने क्लच को इंगेज नहीं किया है, और जो फाइनल कंडीशन होता है कि बोथ द मेंबर्स रोटेट एट सेम स्पीड एंड दे हैव नो रिलेटिव मोशन, so there will be no relative motion. So final condition क्या हो जाएगा हमारा, final condition क्या हो जाएगा, input shaft के लिए और output shaft के लिए both are rotating, ठीक है, at same speed, if there is no slippage,
ठीक है, अगर स्लिपेज नहीं हो रहा है देन इन दैट केस बोथ आर रोटेटिंग एट सेम आरपीएम और स्पीड, ठीक है, एंड हैव नो रिलेटिव मोशन एंड देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो हमारा रिलेटिव मोशन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, सो वी कैन राइट दैट एंड नो रिलेटिव मोशन. बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है ब्रेक और क्लच और कपलिंग के बीच करने में? बोलो, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस थ्री टर्म्स? Anyone please speak. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ये बताओ. Yes sir, आ रही. तो बोलते क्यों नहीं बताओ, क्लियर है या इसमें कुछ ना है? यस और मैं बोल दिया करो, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर क्लच क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच. नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच. ठीक है, तो क्लच को हम लोग टोटल फोर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच. पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच, ठीक है. सेकेंड जो सेकेंड है दैट इज योर फ्रिक्शन क्लच. फ्रिक्शन क्लच. जो थर्ड है, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच. ठीक है, फोर्थ, द फोर्थ वन इज योर फ्लूइड क्लच एंड कपलिंग्स. फ्लूइड है. सो ये बताओ पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच? कोई किसी को पता है? बताइए, किसी को पता है क्या होता है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच? Yes or no? बोलता ही नहीं पता है सर. तो yes or no बोलना चाहिए ना, नहीं पता है तो. देखो इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव कॉन्टेक्ट, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव कॉन्टेक्ट होगा दोनों में. इसमें क्या होता है कि इट कंटेन्स सम जॉ, स्क्वायर टाइप जॉ और स्पाइरल टाइप जॉ. So this is your input shaft and this type of jaw is present in this. और जो हमारा एक output shaft होता है, this contains jaw like this. ठीक है? So it contains jaw like this. तो इसमें क्या होता है कि ये jaw इस recess में जाके फंस जाता है and due to the positive contact, these two have the positive contact, just like gear, it has positive contact. ठीक है, तो इस तरीके से ये power को transmit कर रहा है. This is N1 and this is N2 and N1 will be equal to N2 after engaging. ठीक है, तो this type of clutches are known as positive clutches. Write down point in this. What are positive contact clutches? They include a square jaw. Write down.
they include a square jaw clutches, a spiral jaw clutches, and toothed clutches. They include a square jaw clutches, a spiral jaw clutches, and toothed clutches. ठीक है. सो ये इसमें तीन तरह के क्लचेज आते हैं. वन कैन बी स्क्वायर जा, जो मैंने आपको बनाया है, दैट इज योर स्क्वायर जा क्लचेज. ठीक है, स्पाइरल जॉ क्लचेज, तो दैट विल बी इन शेप ऑफ स्पाइरल. ठीक है, जैसे स्पाइरल गियर आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो वहां पे देखा होगा. तो दैट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट इज गवर्न्ड एज पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लचेज. ठीक है, इन दिस क्लचेज, राइट डाउन वन पॉइंट, इन दिस क्लचेज पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ, इन दिस क्लचेज पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ जॉज. पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय means of interlocking, by means of interlocking of jaws or teeth. ठीक है, so interlocking between jaws and teeth. ठीक है, so ये इसके interlocking की वजह से होता है, interlocking between jaws and teeth. तो हमारा जैसे ही engagement हो जाता है, interlocking हो जाती है, then this type of, ठीक है, तो इस तरह का क्लचेस काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव इंगेजमेंट. जो इसका मेन एडवांटेज है क्या है, इज पॉजिटिव इंगेजमेंट एंड वंस कपल्ड दे कैन ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क विदाउट स्लिप. राइट डाउन द मेन एडवांटेज इज पॉजिटिव इंगेजमेंट, the positive engagement, and once coupled they can transmit large torque without slip. So there will not be any slippage. ये जो जा होता है हमारा, that is restricting the slippage between this teeth and this teeth. ठीक है, so there will not be any slip. ठीक है, और जो हमारा इसमें पॉजिटिव इंगेजमेंट होता है, that is its main advantage. कोई डाउट है इसमें पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लच में? बोलो प्रभात. ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्रिक्शन क्लचेस. अब इसमें क्या होता है कि दीज क्लचेस यूजेस द फ्रिक्शन फोर्स फॉर द कनेक्शन ऑफ इनपुट शाफ्ट टू द आउटपुट शाफ्ट. जो हमारा इनपुट शाफ्ट होता है, ठीक है, एंड आउटपुट शाफ्ट होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए पहले हमने क्या यूज किया, टूथ्ड जॉ यूज किया, या फिर स्क्वायर जॉ यूज किया, या स्पाइरल जॉ यूज किया. बट नाउ वी विल यूज सम फ्रिक्शन प्लेट्स. So in friction clutches, what we have some input shaft and this one minute. Okay, so इसमें क्या होता है कि we have input shaft and we have some plate, and this plate is known as friction plate. इस प्लेट में क्या होता है, दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ सम स्टील और कास्ट आयरन एंड इट कंटेन्स सम फ्रिक्शन मटेरियल हेयर. सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रिक्शन प्लेट. एंड सिमिलरली अनदर प्लेट इज ऑल्सो माउंटेड ऑन द ड्रिवन शाफ्ट लाइक दिस. सो दिस इज योर ड्रिवन शाफ्ट. ठीक है, ये हमारा क्या है, ड्रिवन शाफ्ट है. ठीक है, तो दिस इज योर ड्राइवर शाफ्ट, दिस इज योर ड्राइवर, एंड दिस इज योर ड्रिवन शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट. ठीक है, यहां पे भी हमारी लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को हम लोग फ्रिक्शन लाइनिंग बोलते हैं.
दिस लाइनिंग इज नोन एज फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है. तो जो फ्रिक्शन प्लेट है दैट कंटेन्स दैट इज मेड अप ऑफ स्टील और कास्ट आयरन दैट इज ऑफ सम हार्ड मटेरियल और मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग लार्ज इम्पैक्ट फोर्सेस बिकॉज वेन यू आर इंगेजिंग और डिसंगेजिंग सम इम्पैक्ट फोर्सेस आर ऑल्सो एक्टिंग. So we will use that type of material which can take some impact load so that there will be no breakage. Agar ye brittle material ka bana hua rahega, suppose ceramic material ka, so what will happen? Due to the engagement and disengagement, there might be a chances of breakage of this. So ye kya ho sakta hai? Plate toot sakta hai. To isiliye hum log generally isko cast iron is a good damper. ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है. सो वी कैन यूज कास्ट आयरन और यू कैन यूज स्टील ऑल्सो. ठीक है, ठीक है. सो वी कैन यूज स्टील ऑल्सो. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग होती है. सो दिस इज योर फ्रिक्शन लाइनिंग. और जब आप इंगेज करते हो देयर इज सम स्प्रिंग अरेंजमेंट. यहाँ पे हमारा सम स्प्रिंग अरेंजमेंट इज देयर. तो हम हमारा पहले इस पोजीशन में रहता है एंड व्हेन वी इंगेज इट इट विल मूव दिस साइड. ये क्या होगा, इस साइड मूव करेगा एंड द फाइनल पोजीशन विल बी लाइक दिस. द फाइनल पोजीशन ऑफ द शाफ्ट विल बी लाइक दिस एंड नाउ इफ दिस इज रोटेटिंग विद एन आरपीएम देन दिस विल आल्सो रोटेट विद एन आरपीएम. इफ the clutch is new then there will be no slippage and in that case n1 is equal to n2. n1 is equal to n2. If it is borne out then in that case there might be a chances of slippage. theek hai, wo slip ho jayega kyunki friction material kya ho jayega, that will be lost from this surface ya this surface. theek hai, so in that case slippage. so in case of slippage, in case of slippage n1 is not equal to n2. आप उस केस में n1 को n2 के साथ इक्वेट नहीं कर सकते. सो ये जो फ्रिक्शन क्लच होता है दैट कैन बी ऑफ सिंगल क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीपल प्लेट क्लच. अब मान लो यहां पे तो सिंगल पेयर कॉन्टेक्ट में है तो देयर माइट बी अ चांसेस कि आपका जो इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट है इस तरीके से अरेंज्ड हो. ठीक है, मल्टीपल प्लेट्स आर देयर. ठीक है, तो इसमें से ये वाला और यहाँ पे जो लगा हुआ रहेगा दैट माइट बी ये दोनों ये किसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, हमारा इनपुट के साथ एंड ये वाला और ये वाला कनेक्टेड रहेगा आउटपुट के साथ. ठीक है, तभी ये दोनों ये दो सर्फेसेस आ जाएंगे. तो वी विल सी द पावर ट्रांसमिशन कि कितना टॉर्क ये अप्लाई करेगा इन केस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच. तो दे कैन बी सिंगल प्लेट, दे कैन बी मल्टी प्लेट. ठीक है, तो जहां पे हमारा स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है वहां पे हम लोग सिंगल प्लेट लगाते हैं. ठीक है, और जहां पे हमें हेवी चाहिए, हमें स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, वहां पे ट्रक बड़ा होता है. ठीक है, तो वहां पे हम लोग मल्टीपल प्लेट क्लच अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी वन कोन क्लच इज देयर. ठीक है, तो कोन क्लच विल बी ऑफ दिस शेप. ठीक है, तो इसका आउटर सरफेस कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो कोन क्लच में क्या होगा, वी दिस इज योर साउथ आउटपुट साफ, दिस इज योर आउटपुट. ठीक है, एंड ये हमारा क्या होगा, इनपुट साफ के साथ ये कनेक्टेड होगा. तो ये क्या करेंगे, जस्ट वी विल इंगेज दिस और यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग होगी इस जगह पे और इस जगह पे एंड व्हेन दिस टू फ्रिक्शन लाइनिंग विल कंबाइन देन दिस द मोशन ऑफ दिस शाफ्ट, द मोशन ऑफ दिस शाफ्ट विल बी ट्रांसमिटेड टू दिस शाफ्ट एंड इन दैट केस इफ देयर इज नो स्लिपेज देन n1 विल बिकम n2. ठीक है, क्लियर है सभी को, यस और नो सर? हाँ सर. फ्रिक्शन होगा तब हीट जनरेट होगा या फिर जब स्लिपिंग होगा तब हीट जनरेट होगा? हीट जनरेट सर किस केस में होगा? हीट तो जनरेट होगा, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन देन हीट विल बी जनरेटेड. लॉस तो होगा यहां पे, हीट विल बी जनरेटेड. और स्लिपिंग हुआ तो सर? स्लिपिंग हुआ, स्लिपिंग केस स्लिपिंग इन दैट केस स्लिपिंग कब होगा? स्लिपिंग इज द केस व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज गेटिंग रीड ऑफ. इसमें से ये फ्रिक्शन लाइनिंग जब घिस जाता है, वॉर्न आउट हो जाएगा, इन दैट केस स्लिपिंग भी लगेगा.
Slipping is doesn't to do anything with the heat generation. Heat is generated and due to the heat generation, ठीक है, आपका जो friction lining है, that is getting deteriorated. और जैसे ही वो हमारा खत्म हो रहा है, तो ultimately आपका slipping start हो गया है. Clear है? किसी को और कुछ पूछना है? बोलो. किसी को और कुछ पूछना है? Yes or no? बोलिए. नहीं. Next is your electromagnetic clutch. Next is your electromagnetic clutch. Okay. अब electromagnetic clutch क्या होता है? आपने एडी करंट का नाम सुना है क्या? इंडक्शन जैसे वर्क करते हैं. हाँ, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का नाम सुना है क्या? दीज आर द लॉसेस एंड दीज लॉसेस आर यूज्ड फॉर इंगेजिंग एंड डिसइंगेजिंग द इनपुट टू आउटपुट साफ. ठीक है, सो दे इंक्लूड मैग्नेटिक पार्टिकल क्लचेस. सो देयर विल बी सम मैग्नेट. इफ यू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक करेंट टू द साफ, then the electromagnet will induce, or that electromagnet will attract the output shaft. ठीक है, there will be some plate there. ठीक है, magnetic plate will be there. So the engagement and disengagement can be done by doing so. So using the magnetic particle clutches or magnetic hysteresis clutches or eddy current clutches. ठीक है, सो हमारा एडी करंट क्लचेस होता है इसमें. सो एक होता है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्लच, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक पार्टिकल क्लच, मैग्नेटिक पार्टिकल क्लच, एंड एक और क्या होता है हमारा एडी करंट क्लच. ठीक है, so we use the advantage of these losses for engagement and disengagement. In this clutches, power transmission is achieved by means of magnetic field. So yahan pe hum log jab electricity usme provide karte hain, so a magnetic field will be generated and that magnetic field is used for engagement and disengagement. And these clutches have many advantage ki ye jo hamara rapid response time hota hai. In this case, ठीक है, their response will not be that much rapid. Initially, what will happen when you engage this, ठीक है, initially it will try to rub on this and it is not rotating simultaneously with N1, ठीक है, N2 is not equal to N1 initially. It is increasing gradually and reaching to N1. ठीक है, तो इनिशियली स्लिपेज विल बी देयर. इनिशियली क्या होगा इसमें, स्लिपेज विल बी देयर एंड देन स्लिपेज विल बी व्हेन यू इंक्रीज द आरपीएम और व्हेन द कॉन्टेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, देन हमारा क्या होगा, स्लिपिंग रुक जाएगा. और अगर हमारा मटेरियल वॉर्न आउट हो गया है, देन द स्लिपिंग अगेन स्टार्ट्स. ठीक है, तो इनिशियली इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट जो होता है फ्रिक्शन क्लचेज में, दैट विल बी started with your slipping. But in that case, in electromagnetic clutch, the engagement and disengagement is smooth. ठीक है, so engagement and disengagement is smooth. ठीक है, and rapid response time. And it is ease of control is there. You can apply automation in that. ठीक है, so you can control by controlling the electric current to the input shaft. Clear है सभी को? So you can write some points in this, so that you can't forget this. So write one point in these clutches. First point likhiye electromagnetic clutches mein. In these clutches, power transmission is achieved by. In these clutches, power transmission is achieved by means of. Power transmission is achieved by means of.
मैग्नेटिक फील्ड बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट दीज क्लचेस हैव मेनी एडवांटेज. दीज क्लचेस हैव मेनी एडवांटेज सच एज रैपिड रिस्पॉन्स टाइम. Such as rapid response time. Next, ease of control. Next is ease of control and smooth starts and stops. Ease of control and smooth start and stop. And smooth start and stops. ठीक है, क्लियर है सभी को? वन ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए. सर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सर तो मोटर का जरूरत नहीं पता होगा सर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे देते होंगे. ये बताओ ये जो इनपुट है हमारा, इनपुट प्लेट है, इसको रोटेट किस चीज से करवाओगे? तो इसको किससे करवाएंगे? हाँ तो इसके लिए तो हमको मोटर चाहिए ना, इसके लिए तो हमको मोटर चाहिए ना. तो पावर इनपुट तो हमारा रहेगा, बट यहाँ पे जो इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट की बात चल रही है, तो वहां पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स यूज कर रहे थे. यहाँ पे जो प्लेट रहेगा उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग की वजह यहाँ पे हम लोग ईडी करंट फ्लो करा देंगे इस प्लेट के सरफेस पे, एंड दैट ईडी करंट इसमें क्या करेगा, एक दूसरा ईडी करंट इंड्यूस करेगा, एंड ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होगा, इट विल ट्राई टू रोटेट. ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है ना अपना. सो इट यूजेस द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू रोटेट दिस साइड. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमारा इसके साथ नहीं हो पा रहा है. तो इसमें कॉन्टेक्ट नहीं, देयर मस्ट बी सम गैप. गैप तो होना चाहिए, तभी तो ये ईडी करंट इसमें आ पाएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो ईडी करंट इफ देयर इज नो गैस इन बिटवीन दिस टू साफ. तो देयर विल बी सम गैप बिटवीन दिस टू साफ. तो इसीलिए इसका जो स्टार्टिंग होगा दैट विल बी स्मूथ. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गैप होगा, तो गैप विल बी देयर, सम एयर गैप विल बी देयर. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज योर फ्लूइड क्लचेस. Next is your fluid clutches. Next heading डालिए, that is your fluid clutches. Fluid clutches. ठीक है, तो ये fluid clutches क्या होता है? In these clutches, power transmission is achieved by means of hydraulic pressure. So, क्या होगा? इसमें जो power transmission होगा, power transmission is achieved by means of transmission is achieved by means of क्या? Hydraulic pressure. हाइड्रोलिक प्रेशर. ठीक है, सो हम लोग इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं फॉर दिस इंगेजमेंट एंड डिस इंगेजमेंट. ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर समझ रहे हो यहाँ पर? ये पढ़े हो ना, ये हाइड्रोलिक रैम. तो देयर विल बी सम प्लंजर इज हेयर, फ्लूइड इज ऑलरेडी फिल्ड हेयर इन दिस एरिया, एंड दिस इज योर आउटपुट. तो व्हेन यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स ऑन दिस विल डिफ्लेक्ट अ लार्ज. मतलब कि काफी ज्यादा वेट को
हम लिफ्ट कर लेते हैं तो वी यूज दिस कि देयर विल बी सम हाइड्रोलिक अरेंजमेंट वी प्रेशराइज दिस वॉइल एंड देन इंगेजमेंट एंड डिसइंगेजमेंट विल बी डन. तो ये आप लोग देखे होंगे जो डोर क्लोजर होता है, डोर क्लोजर ठीक है, और एक न्यूमैटिक होता है, न्यूमैटिक एयर पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन एयर, और दूसरा होता है हाइड्रोलिक ठीक है. तो हाइड्रोलिक किस पे वर्क करता है, वॉयल प्रेशर पे, वॉयल प्रेशर. तो हम लोग क्या करते हैं, देयर विल बी सम वॉयल इन बिटवीन दिस एंड वी जस्ट अप्लाई इट, दिस विल अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉयल एंड दैट वॉयल विल डू समथिंग ठीक है. सो इफ सपोज दिस इज योर इनपुट शाफ्ट एंड दिस इज योर आउटपुट शाफ्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू इंगेज दिस, वॉट यू विल यूज, you will use some hydraulic pressure. So aapke paas ek hydraulic cylinder hoga, you apply some pressure on it, then it will transfer its hydraulic pressure on this plate. Is plate pe hydraulic pressure dalne ke baad, now this will push this plate towards this. So we are utilizing this hydraulic pressure for engagement and disengagement. एंड दिस हाइड्रोलिक जो हमारा अरेंजमेंट होता है, तो इसमें एक बेनिफिट क्या है, इट एब्जॉर्ब्स शॉक. तो ये जो शॉक होगा हमारा, इट विल एब्जॉर्ब दैट शॉक, बट इट इज नॉट दैट केस इन द फ्रिक्शन क्लचेस. सो यू कैन राइट डाउन द पॉइंट इन दिस क्लचेस पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर. राइट दिस फर्स्ट पॉइंट ठीक है, पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर. अ फ्लूइड कपलिंग प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली, अब यहां पे जो कपलिंग होगा दैट इज फ्लूइड कपलिंग, इसमें राइट डाउन कीजिए, अ फ्लूइड कपलिंग दिस इज योर सी एंड ओ, अ फ्लूइड कपलिंग प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली provides extremely a smooth starts and absorbs shocks ठीक है. तो ये shock absorbing का भी काम करेगा and it will promote a smooth start. तो आपका starting भी क्या होगा, smooth होगा. clear है सभी को? Yes or no? सर ये हाइड्रोलिक से इसको सब प्रेशराइज करेगा, मतलब एक दूसरे प्लेट पे. हाँ. और सर तो सब प्लेट पे भी सब फ्रिक्शन तो होना चाहिए ना सर, तभी तो एक दूसरे को रोटेट करेगा, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगा. हाइड्रोलिक का सर काम सर सिर्फ प्रेस करना बस. हाँ प्रेस करना ही है, लेकिन वो प्रेशराइज इतना उसमें कुछ तो ऑब्वियसली दिस टू प्लेट मस्ट हैव फ्रिक्शन ठीक है, बट वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रहा है. ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा तो स्लिपिंग तो ऑब्वियसली होगी, बट जो इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट होगा दैट विल बी यूज्ड बाय दिस हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक है. यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन के कट्स बने हुए रहेंगे ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेशर इसको इतना टाइटली इसके साथ क्लब कर देता है कि इसमें स्लिपिंग स्टार्टिंग में स्लिपिंग नहीं होती है. बट फ्रिक्शन क्लचेज में क्या होता है कि यहाँ पे लाइनिंग बनी हुई रहती है ठीक है, और यहाँ पे भी लाइनिंग बनी हुई रहती है, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्सेस से यूज करते हैं. हेयर स्प्रिंग फोर्स इज यूज, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ठीक है. तो दैट स्प्रिंग फोर्स इसको फोर्स करता है, तो स्प्रिंग में उतना फोर्स नहीं होता है ठीक है. तो क्या होता है कि इनिशियली देयर विल बी सम स्लिपिंग, बट इन दैट केस ये इसमें क्या होता है कि अगर आप बात करो क्रॉस सेक्शन का, तो क्रॉस सेक्शन में बस ग्रुप्स बने हुए रहते हैं इस तरीके से ठीक है, ये ग्रुप्स बने हुए रहते हैं ठीक है. एंड इट्स देयर विल बी सम म्यू, बट जितना फ्रिक्शन क्लचेज में फ्रिक्शन होता है दैट फ्रिक्शन इज नॉट हियर ठीक है, और ना ये पॉलिश्ड होता है, नॉट सो पॉलिश्ड ठीक है, ये ना पूरा पॉलिश्ड होता है और ना ये पूरा रफ होता है. सो इट हैव सम फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन इज बाइंडिंग दीज टू प्लेट्स, ये जो दो प्लेट है उस फ्रिक्शन की वजह से ही है आप चल पाते हो रोड पे. तो आप किसकी वजह से चल पाते हो, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन
ठीक है, आप लिख पाते हो तो किसकी वजह से लिख पाते हो, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, आप पेन को पकड़ रहे हो तो इस पेन आप ज्यादा स्मूथ ले लो तो व्हाट विल हैपन, द पेन इज ट्राइंग टू स्लिप फ्रॉम योर हैंड, आपके हैंड से जो आपका फिंगर्स होगा फिंगर टिप से वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन यू टेक सम रफ और सम सम अ पेन व्हिच इज हैविंग सम फ्रिक्शन बट नॉट सो रफ, सो दैट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे भी वही यूज होता है ना, इसमें ये मटेरियल रफ होता है ना, सरफेस रफ होता है और ना ही एकदम पॉलिश्ड होता है, इट हैज सम फ्रिक्शन। ठीक है, बट द फ्रिक्शन फ्रिक्शनल एप्लीकेशन इज नॉट हियर। ठीक है, एंगेजमेंट इज हाइड्रोलिक एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोलिक अरेंजमेंट दिस इज रोटेटेड। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हाइड्रोलिक प्रेस इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है, जैसे ही हम हाइड्रोलिक अप्लाई करते हैं वो उसके साथ ऐसा कनेक्शन लगाता है, दैट कैन बी पॉजिटिव टाइप ऑल्सो, कभी कभी पॉजिटिव टाइप कॉन्टेक्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्लचेस का कहने का मतलब है कि जो हम जो सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं, उससे मतलब है इनपुट हमारा बेसिस क्या है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है उसमें भी दो प्लेट है। ठीक है, लेकिन इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट के लिए हम लोग क्या सोर्स यूज कर रहे हैं, दैट वी हैव टू सी इन दिस, क्लियर है। यस सर। को कुछ पूछना है इसमें, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है, आज इतने सारे लोग हैं, 22 लोग। अंजलि, अनु, आशीर्वाद, ब्रजेश, गोविंद, बताइए आप लोग का क्या मतलब समझ में आ गया, रॉकेट, सचिन, ये सब है कि चले? कुछ पूछना नहीं है सर। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट इज योर ट्रॉट ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई थिंक दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। क्या सर, क्या चीज सर, ये फर्स्ट पेज है, क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। नहीं, फर्स्ट पेज इज दिस। ओके सर, ये है हमारा फर्स्ट। I will send you the notes also, don't worry. But ठीक है, लेकिन बस ये समझ में आना चाहिए, बेसिक था ये, दिस इज जस्ट थियरी, अभी तो थियरी स्टार्ट हुआ था, दिस इज थियरी। ठीक है, तो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक था और अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शंस पाएंगे, क्योंकि आप लोग का ये इसमें है थियरी ऑफ मशीन में है, सो न्यूमेरिकल विल बी देयर। ठीक है, सो इसमें हाँ कुछ तीन पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस। सर फ्रिक्शन क्लचेस का तो आप वो डेफिनेशन भी वो सब भी लिखवाई नहीं है, वो भी लिखवा दीजिए सर। नहीं लिखवाए हैं अभी तो, लिखवा है। नो सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव कांटेक्ट क्लच लिखवाए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच लिखवाए थे, फ्लूइड क्लच लिखवाया। ओके ओके, और ये वाला नहीं लिखवाए थे सर। ठीक है, लिखिए, राइट डाउन, फ्रिक्शन क्लचेस में लिख लीजिए, दे इंक्लूड सिंगल एंड मल्टीपल क्लचेस। मैंने बता दिया था सर। ठीक है, सो दे इंक्लूड सिंगल एंड मल्टीपल क्लचेस, they include friction clutches में लिखना है, they include single and multiple clutches, comma cone clutches, comma cone clutches and centrifugal clutches. So इसमें क्या क्या आता है friction clutch में, there are three basic types, one is your single and multiple plate clutch, cone clutch and the centrifugal clutch. centrifugal clutch क्या होता है इसको हमने बताए थे,
सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है कि देयर इज अ डिस्क आउटसाइड दिस, ठीक है, और क्या होता है एक सेंटर में होता है हमारा, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से स्प्रिंग लगा हुआ होता है. एंड देयर इज अ शू ब्रेक हेयर, शू ब्रेक शू इज देयर अटैच विद दिस स्प्रिंग. सो दिस इज योर ब्रेक शू, दिस इज योर ब्रेक शू, एंड दिस इज योर स्प्रिंग स्प्रिंग, एंड इनपुट पावर इज गिवन हेयर. सो दिस इज योर इनपुट शाफ्ट, ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि हम लोग इनपुट शाफ्ट देते हैं, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. सो इफ यू इंक्रीज, अगर आप आरपीएम को कम रख रहे हैं देन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, आप यहां पे क्या कर रहे हो कि ये इसके कॉन्टेक्ट में नहीं है, बट जैसे ही आप ओमेगा को इंक्रीज करते हो, ठीक है, जो फोर्स है दैट इज इंक्रीजिंग इन रेशियो प्रोपोर्शन विद ओमेगा स्क्वायर. सो एफ किसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर के. एंड व्हेन इट मेक कॉन्टेक्ट विद दिस डिस्क, जो हमारा व्हील है, दिस इज योर व्हील, व्हील और ड्रम इसको कह सकते हो, व्हील ड्रम, ठीक है. व्हेन इट टचेस दिस देन ये सारा एक साथ टच होगा, देन ये रेडियली एक साथ मूव करेगा. तो उस समय क्या होगा कि ये इनपुट साथ के साथ ये आउटपुट व्हील भी मूव करने लगेगा. आप लोग देखे होंगे स्कूटी वगैरह में, इनिशियली आप देखो एक्सेलरेटर दोगे हल्का सा, वो नहीं मूव करेगा, ठीक है. बट व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग मोर देन दैट, कि आप जैसे ही थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, तो एक्सेलरेट करके आप क्या करो, यू आर इंक्रीजिंग द आरपीएम. एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द आरपीएम सच दैट इट टचेस द योर व्हील ड्रम, तो जैसे ही आपका व्हील ड्रम में टच हो जाएगा ये वाला शू, ठीक है, तो दैट इज नॉट योर ब्रेक शू, ठीक है, ये ब्रेक शू नहीं है यहाँ पे, ये ब्रेक शू के मटेरियल का बना हुआ रहता है, बट दैट इज नॉट योर ब्रेक शू, दैट इज योर क्लच प्लेट. यू कैन से हेयर दिस इज योर क्लच प्लेट, दिस ब्रेक शू एक्ट एज अ क्लच प्लेट हेयर, क्लच प्लेट रादर टू से ब्रेक शू, ठीक है. डोंट कंफ्यूज विद दैट बिकॉज देयर इज नो ब्रेकिंग ऑपरेशन हेयर, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट ऑपरेशन हो रहा है. सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग ओमेगा, एफ इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन एफ इज इंक्रीजिंग दिस इज मूविंग, एंड ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इट इज मेकिंग कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो जाएगा, जैसे ही कॉन्टेक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, व्हील ड्रम मूव करने लगेगा. एंड व्हेन वी डीएक्सेलरेट इट क्या होगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर की ओर फोर्स लग रहा है, एंड दिस फोर्स इज ऑलरेडी trying to pull it back to its original position. And when you are decreasing this omega, then what is happening, your this clutch plate will come down and your bike get stop, ठीक है. तो जैसे ये इसका सीधा सीधा this type of clutch you can see in your mopeds or this scooties, new scooties, clear है. So इसमें हम लोग लिख रहे थे they include सिंगल प्लेट, मल्टीपल प्लेट क्लच, कोन क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस क्लचेस पावर ट्रांसमिशन इज अचीव बाय मींस ऑफ, इन दिस क्लचेस पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, पावर ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन contacting surface, by means of friction between contacting surface, ठीक है, बोलो, is it clear to all? Yes sir. Yes sir. किसी को कोई doubt है अब? You can ask. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टॉर्क ट्रांसमिशिंग कैपेसिटी, तो इसमें ये कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, वी विल सी दैट, ठीक है.
सो नेक्स्ट इसमें ये हाँ अभी ये लिखवा रहे थे, प्लीज राइट डाउन दिस एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन क्लचेज. राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, इंगेजमेंट इज स्मूथ. इंगेजमेंट इज स्मूथ, ठीक है. ड्यू टू स्लिपेज देयर विल बी सम स्लिपेज देयर, ठीक है, बट दैट विल नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ यू कैन से जर्क इन दैट, ठीक है. सो लेकिन जो पॉजिटिव कॉन्टेक्ट होगा देयर विल बी सम जर्क इन दैट इन इनिशियल इंगेजमेंट, बट इन दैट केस, इन दिस केस योर इंगेजमेंट विल बी स्मूथ. वाई इट इज स्मूथ, बिकॉज यू आर जस्ट इंगेजिंग दिस प्लेट टू दिस प्लेट, ठीक है, धीरे धीरे आप इंगेज कर रहे हैं. देयर विल बी सम स्लिपेज बट दैट विल बी स्मूथ, बट इफ यू आर इंगेजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस टाइप ऑफ जॉ, ठीक है, आप इस तरह के जॉ को इसमें इंगेज और डिसइंगेज करोगे, सो ड्यू टू दिस एंड दिस एज इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर, सो देयर इंगेजमेंट इज नॉट सो स्मूथ, ठीक है. So, in comparison with the positive contact clutches, you can say it the engagement is smooth. But overall engagement is smooth in electromagnetic clutches. Okay? But when you compared with the positive contact clutches, then you can say the engagement is smooth in friction clutches. Next point is slip occurs only during slip. Slip occurs only during engaging operation. And once the clutch is engaged, there is no slip. And once the clutch is engaged, there is no slip between the contacting surfaces. And then there will be no slip between the contacting surfaces. Therefore, power loss and consequent heat generation. Therefore, power loss and consequent heat generation do not create problem unless the operation requires frequent starts and stops. Therefore, power loss and consequent heat generation do not create problem unless the operation requires frequent start and stops. ठीक है? तो ये कह रहा है कि जो power losses है, ठीक है? It will not create a problem. Why? Because only during engagement slip is there. ठीक है? If slip is in between that, इसका मतलब क्या है कि हीट इज जनरेटेड टू मच. व्हाई? यू कैन बिकॉज वियर इज अ इंडिकेशन, बिकॉज स्लिप किसकी वजह से होगा? वियर की वजह से होगा. और वियर किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर जनरेशन की वजह से होगा. सो आप लोग इनडायरेक्टली इसको कह सकते हो कि जो हमारा स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द हीट जनरेशन. ठीक है, तो जो हमारा हीट जनरेशन होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब स्लिप इज डिपेंडेंट ऑन हीट जनरेशन एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. जब तक ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, जब तक आप इसको बार बार स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं करोगे. व्हेन यू स्टार्ट एंड स्टॉप टू मच फ्रिक्वेंटली, उस समय क्या होता है कि जो हमारे फ्रिक्शन लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है? वियर आउट हो जाती है ड्यू टू इम्पैक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन मटेरियल. ठीक है, तो उसकी वजह से, बार बार करने की वजह से, ठीक है, ये वेयर आउट हो जाती है
इसलिए ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप लोग इसको क्या कहोगे, फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप करोगे, अदरवाइज देयर विल बी नो प्रॉब्लम बिकॉज द स्लिपिंग इज नॉट ऑकरिंग इन बिटवीन, इट इज ओनली अकरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द इंगेजमेंट. क्लियर है सभी को? राइट ऑन द थर्ड पॉइंट दैट इज, हाँ बोलो. आप सर बोले सर ये स्कूटी में होता है सर, ये वाला जो फ्रिक्शन वाला बताया अभी, बट सर स्कूटी में सर कोई क्लच ही नहीं होता है उसमें सर, एक्सेलरेशन नहीं तो ब्रेक, दो ही चीज होता है. एक्सेलरेशन नहीं तो ब्रेक, यही बोल रहे हैं ना सर, उसमें से क्लच नहीं होता स्कूटी में. यस सर. अच्छा आप ये बताओ, एक्सेलरेशन जो आप बोल रहे हो एक्सेलरेटर, वो एक्सेलरेटर कर क्या रहा है? आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर दी, NRPM से आपका मूव कर रहा है, आपकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, खड़ी है ना. आप क्लच भी नहीं लेते हो, यू आर नॉट, यू हैव नॉट टेकन एनी क्लच, यू हैव नॉट टेकन एनी ब्रेक, आपने कुछ नहीं दबाया है, गाड़ी आपकी रुकी हुई है, ऐसा क्यों? बट इट इज नॉट द केस विद योर बाइक. बाइक में आपको क्लच पकड़ के ही खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है, जब तक कि उसको न्यूट्रल गियर में ना डालो, ऐसा होता है ना. यस सर, बट सर स्कूटी में जैसा क्लच नहीं ना होता है सर. नहीं बोलता, क्लच बोलते नहीं है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलते नहीं है, ये मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज यूज. हम लोग एक्सेलरेटर क्या है, एक्सेलरेटर तो बाइक में भी होता है तुम्हारा, एक्सेलरेटर कोई वो नहीं है. एक्सेलरेटर क्या कर रहा है, जस्ट यू आर इंक्रीजिंग द RPM, आप N को इंक्रीज कर रहे हो, That is the work of your accelerator. ठीक है, accelerator में कुछ इस तरीके का system लगा हुआ है कि वो speed को increase और decrease कर सकता है. Electronic system है ना वो तो, ठीक है, वो आप उसको move करोगे, variable rheostat लगा हुआ है, resistance लगा हुआ है, कुछ तो लगा हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी RPM बढ़ रही है और घट रही है, समझ रहे हो ना. लेकिन इसको engage और disengage कैसे करते हो आप? आप तो बस बोल रहे हो एक्सेलरेटर दबा रहे हो, तो एक्सेलरेटर दबा रहे हो तो आप N को इंक्रीज कर रहे हो, N इंक्रीज करने से आपकी गाड़ी क्यों बढ़ रही है और N डिक्रीज करने से आपकी गाड़ी क्यों रुक रही है? इट इज ड्यू टू दिस फेनोमेना. आप N को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MR ओमेगा स्क्वायर से बढ़ रही है, ठीक है, जैसे ही वो बढ़ के इस पे टच कर रही है तो इट इज स्टार्ट मूविंग, ठीक है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. बट ऑन द अदर हैंड इसमें क्या होता है कि जब आप इसको कम करते हो एन को, तो ये क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू कम होने लगती है और फोर्स कम होता है और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है और गाड़ी स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली रुक जाती है जब आप उसका एक्सेलरेशन जीरो कर देते हो, समझे. तो एक्सेलरेटर से मत कंफ्यूज कर दीजिए, ठीक है, एक्सेलरेटर का काम है स्पीड को बढ़ाना. जो आप कार में ABC पढ़ते हो ना, कार में ABC, एक्सेलरेटर ब्रेक एंड क्लच, ये क्लच क्या है, ये क्लच हम लोग लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट को इंगेज और डिसइंगेज करने के लिए. ब्रेक का काम क्या है कि जो इनपुट शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है उसको रोकने के लिए, और एक्सेलरेटर का काम है RPM बढ़ाने के लिए, ठीक है. तो एक्सेलरेटर आप बढ़ाइए और क्लच को छोड़ दीजिए, ठीक है. आफ्टर इंगेजमेंट ऑफ सम गियर, गियर शिफ्टिंग के समय ही हम लोग क्लच का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वी डोंट यूज दिस क्लच, ठीक है. आप देखना बाइक में इनिशियली जब आप गियर चेंज करते हो तभी क्लच को आप इंगेज करते हो, और गियर चेंज करने के बाद धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ देते हो. सर क्लच समझ गए समझ गए ना. यस सर, बस सर कहना था कि सर स्कूटी में सर क्लच नहीं होता, सब लोग बोलते हैं, बस ये सर कह रहे थे. नहीं नहीं होता है, आप वहाँ पे गियर शिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, ये इस तरह का क्लच होता है कि वो इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, इनपुट पावर का. क्लच बोलते नहीं है जनरली वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्लच के लिए कोई स्पेशल आप बटन यूज नहीं, वो हैंडल यूज नहीं करते हो, लीवर यूज नहीं करते हो, इसलिए. और किसी को कोई डाउट है बोलिए. अनु आप बताइए, आपको कोई डाउट है क्या?
नो सर ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए इन सर्टेन केसेस फ्रिक्शन क्लचेस सर्व्स एज सेफ्टी डिवाइस ठीक है थर्ड पॉइंट लिखिए इन सर्टेन केसेस फ्रिक्शन क्लच सर्व्स एज अ सेफ्टी डिवाइस फ्रिक्शन क्लच सर्व्स एज अ सेफ्टी डिवाइस इट स्लिप्स व्हेन द फुल स्टॉप इसके बाद लिखिए इट स्लिप्स व्हेन द टॉर्क ट्रांसमिटेड थ्रू इट स्लिप्स व्हेन द टॉर्क ट्रांसमिटेड थ्रू इट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू exceeds the safe value it slips when the torque transmitted through it exceeds a safe value full stop last point ki case mein this prevents the breakage of parts in the transmission chain in the transmission chain ठीक है सो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस क्यों डिवाइस है आपका इनपुट शाफ्ट है ठीक है और ये आउटपुट शाफ्ट है सपोज दिस इज योर आउटपुट शाफ्ट ठीक है आपने इसको इंगेज करा दिया मान लीजिए ये क्या हो गया इंगेज हो गया ठीक है अब आपने आरपीएम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया सो व्हाट विल हैपन कि आपका एन आउटपुट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ये इनपुट है और ये आउटपुट है अगर आपने एन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगा अगर आउटपुट ज्यादा होगा और आपकी लिमिट है सपोज 250 आरपीएम से आउटपुट मूव करना है और आपने इसको 500 आरपीएम कर दिया ठीक है और ये झेलने की कैपेसिटी रखता है 300 आरपीएम चाहिए कितना 250 आरपीएम और ये झेलने की कैपेसिटी रखना है 300 आरपीएम ठीक है बट व्हाट मच इज ट्रांसमिटेड 500 आरपीएम ठीक है तो आपने यहाँ पे क्या बढ़ा के कर दिया 500 लेकिन ये झेल तो सकता है 300 ठीक है तो 500 तो यहां पे कभी आ ही नहीं सकता क्यों क्योंकि जैसे ही 300 से आगे जाएगा व्हाट विल हैपन दिस विल स्टार्ट स्लिपिंग ये आपका जो फ्रिक्शन मटेरियल है यहां पे सो वो क्या हो जाएगा घिस जाएगा वॉर्न आउट हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ हीट और वो जैसे ही वॉर्न आउट होगा स्लिपिंग विल अकर और ड्यू टू स्लिपिंग जो एक्चुअल जो हमारा आरपीएम होगा यहां पे 500 दैट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड क्लियर है बोलो यस और नो यस सर ठीक है सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट तो कभी कभी ये सेफ्टी डिवाइस की तरह भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्लियर है सो वी विल स्टॉप टुडे हियर ठीक है एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिराइव सम एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच ठीक है सो आप सिंगल प्लेट क्लच का हम लोग डेरिवेशन करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ठीक है सो देयर आर टू थियोरी इन दिस वी विल स्टडी दैट आई विल नेम दिस दिस टू थियोरी देयर इज अ यूनिफॉर्म वियर थियोरी and uniform pressure theory ठीक है so these two theory are used for the derivation of this torque transmitting capacity ठीक है so we will do that and we will do some numerical in that ठीक है and this is all for the today's lecture ठीक है हम लोग next जो clutch को start करेंगे I will give you the time in the next week this week I will not be continuing this because on Saturday our manufacturing class is also there ठीक है so manufacturing class को हम लोग को करना है so ये हम लोग week में एक बार करेंगे